यूपी रोडवेज के कर्मचारियों ने कचहरी बस स्टैंड से एक डग्गामार बस को सवारी भरते पकड़ा, जिसके संबंध में यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्रा ने बताया कि डग्गामार बसों के खिलाफ अभियान चलाकर एक बस को पकड़ा गया है जो कि कचहरी बस स्टैंड पर आकर सवारी को बैठा रहा था, जिसको देखते दौड़ाकर बस को पकड़ा गया है जो भागने का प्रयास कर रहा था। लेकिन तभी कुछ प्राइवेट बस भाग निकले। यह डग्गामार बस संचालक अवैध रूप से सवारियों को भरते हैं, लेकिन जब रोडवेज के कर्मचारी इनका विरोध करते हैं तो यह मारपीट पर आ जाते हैं। आज भी सवारी भरते पर मना करने पर झगड़ा करने लगा, जिसको पकड़कर रोडवेज पर रखा गया है, जिस पर कार्रवाई के लिए आरटीओ को सूचित कर दिया गया है। इस बस को सीज कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि किसी स्टैंड पर डग्गामार बसों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। वहीं आरटीओ अनिता सिंह ने कहा कि उक्त बस का परमिट की अवधि समाप्त हो गई थी और उक्त बस को एआरटीओ एसपी श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर बस का चालान कर अग्रिम विधि कार्रवाई किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्र और दूरभाष पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरटीओ अनिता सिंह ने कहा। दिनेश मणि मिश्र, क्षेत्रीय अध्यक्ष, यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज गोरखपुर क्षेत्र। कचहरी बस स्टेशन पर अवैध डग्गामार वाहन संचालन के विरुद्ध यह प्रदर्शन रहा है। ये डग्गामार वाहन संचालक अवैध रूप से कचहरी बस स्टेशन पर अपनी सवारियों को भरते हैं। हमारे इंचार्ज साहब, हमारे आरएम साहब, हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी जब इनका विरोध करते हैं तो यह आमादा मारपीट पर भी हो जाते हैं। आज भी हम सभी लोग इसी मुहिम पे थे, पार्किंग व्यवस्था में। इसको हम लोगों ने कई बार मना किया, यह मान नहीं रहा था, दुर्व्यवहार पर उतारू था। हम और हमारे इंचार्ज और हमारे तमाम कर्मचारी साथियों ने इसको पकड़ करके विरोध प्रदर्शन के स्वरूप इसको हम लोगों ने बंद किया है और आरटीओ को हम लोगों ने सूचित किया है। अभी वो आएंगे और इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अभी क्या मांग? चालान के लिए अभी हमारी मांग यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सीधा स्पष्ट आदेश है कि किसी भी अवैध जगह से, किसी भी स्टेशन परिसर से, किसी भी बस स्टेशन परिसर से कोई भी अवैध वाहन संचालन नहीं चलेंगे। लेकिन इन डग्गामार वाहन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कचहरी बस स्टेशन माननीय कमिश्नर कार्यालय के सामने स्थित है, इसके बावजूद भी ये बेरोक टोक चल रहे हैं, बेधड़क चल रहे हैं। इनको स्थानीय प्रशासन, आरटीओ और पुलिस का या रोडवेज प्रशासन का कोई डर और भय नहीं है। मैडम, वो कचहरी जो बस स्टेशन के सामने का मैटर क्या था? आज हमारे एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल ने मुझे ये अभी अवगत कराया है कि रोडवेज के कैंपस के सामने से एक बस, जिसका परमिट ऑथराइजेशन समाप्त हो गया था, वो वहां पे सवारी भरे थे, तो आरएम रोडवेज ने उसे अपने कैंपस में खड़ा करा लिया और फिर हमारे एआरटीओ को सूचित किया कि भाई ऐसे ऐसे बस चल रही है, आप आके चालान कर दीजिए। तो मेरे एआरटीओ जो एस पी श्रीवास्तव है, वो उन्होंने वहां पहुंच के गाड़ी का चालान किया, गाड़ी को निरुद्ध किया, वहां पे ये कार्रवाई हुई थी।